तुझे उर्दी किसने दे दिया? अरे हमको उर्दी दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने? और कैसे, कितना पढ़े थे? अरे पढ़े बढ़े जितना नहीं है, पांचवा पढ़े हुए। कितनी रिश्वत तेरे बाप दिया रे? हाँ रिश्वत रिश्वत कुछ नहीं दिया। का के बाद अक्षर कौन पढ़ता है? ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। साहिबाव कतर 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 है जो छोटकावा साहिबाव जान गवाई निकल रहा है। आई कहीं दे भैया रहा नहीं, वहीं नहीं हमसे कहीं ना 130 दे भी है तो नहीं अब वहीं ना है वहीं ना कहो ये। अच्छा तुम बताओ 500 में जीरो के लागत है, 5 बना जीरो के लगे, 5 की लगा दो तो 500 हो गए। हां जीरो के लगे 5 लगा, 4 लगा दो तो 4 हो गए। देख रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, बराबर हमारी नजर तुम्हारे पे ही रहती है। कहाँ गए थे? ठाकुर साहब कुछ करो मेहरबानी। चेरो लाओगे साहब आए खड़े हैं, चल जहीन लेके आओ जल्दी। आइए साहब बैठिए, आइए चाय। ठाकुर बलवंत सिंह जी हाँ, ये बताइए ये जो मर्डर तो हुए हैं तुम्हारे भाई का, मेरे भाई का जी हाँ, करने वाला कौन है? जरूर बताऊंगा सर, आप जानना चाहते हो तो सुनिए मेरी बात। हाँ बताइए बोलो। तो भाई मेरा मरा कम कुछ है बहुत, भाई मेरी माँ ने बताया है कि बिजली और सन की शादी हुई है, ऐसी कौन सी सहागल होगी जो अपने पति को मिटा देगी? साहब इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, इसके बारे में अच्छी तरीके से तो मैं ही जानता हूँ। ये शादी रजावंदी के साथ नहीं हुई थी। फिर कैसे? बिजली का दिल किसी और से दिल लगा था, जिसका नाम था डाकू टाइगर सिंह। टाइगर जी हाँ, और बिजली का रोजाना का मिलना टाइगर से चलता था। तुम्हारी माँ और उसका बाप तुम्हारे भाई से शादी कर दिया, जब शादी कर दिया तो बिजली ने इतला किया टाइगर को कि मेरी शादी हो रही है, और
वो इस गली से निकलेंगे डोली लेकर के, इसलिए यहाँ पे बैठ जाओ, फिर जब हम इशारा करूंगी तो सानों को गोली मार देना, हम तुम्हारे साथ निकल चलेंगे। जी हाँ। अच्छा, तुम्हारे भाई को बिजली ने मारा? जी हाँ, इसमें भी राज है। मेरा भाई खेतों की तरफ गया था। तुम्हारे भाई को कैसे मारा? मेरा भाई खेतों की तरफ गया था, जब गोली की आवाज सुना, बचाओ बचाओ सानू कर रहा था। इतने में मेरा भाई दौड़ता हुआ गया उसे बचाने के लिए। जब वहां पहुंचा तो क्या बताओ इंस्पेक्टर साहब, वो टाइगर और बिजली मेरे भाई को ठाकुर घबराओ नहीं, अगर बिजली ने तुम्हारे भाई और मेरे भाई सानू को मारा है तो ये वादा है ये रानू इंस्पेक्टर की गोली से जाएगा दुनिया से। आप बिजली को अरेस्ट कर सके या ना कर सके, अगर से कहीं बिजली मुझे दिखाई दी तो मैं उसे गोली चलाऊंगा। अगर जरा सी बदतमीजी ठाकुर किया तो कानून को अपने हाथ में लिया, सलाह को पीछे सर जाओ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप उसे अरेस्ट कर लीजिए, तब तो कोई बात ही नहीं है। और मैं अगर चे कहीं देख पाऊंगा तो आपको फौरन तला करूंगा। आप अपनी हमेली में बैठिए। ठीक है, ये पुलिस का काम है, इसकी छानबीन हम करेंगे। ओके, ठीक है, घबराओ नहीं। और याद रखना, दूध अलग पानी अलग। एक मरा दूसरा पैदा हो गया साला। ये साहब, ठाकुर साहब, हम समझ नहीं पान यो इस पट्टर कौन है? ये रानू है, ये जुड़वा भाई हुए थे सानू का भाई। हाँ, सानू को मरवा दिया साला, रानू आया। अबे रानू इसी चक्रव्यूह में चलता चलता मर जाएगा। वो कह रहा है जिस दिन कातिलों का पता लगा पाएंगे उस दिन अपने पिस्टन से मार दूंगा। ठीक है, दोनों फाइलें में चाहिए। ठाकुर क्या बताया है? ठाकुर बताया है कि वो टाइगर से लव किया था और ये दिखावट के लिए रामू शादी सानू के साथ में किया, इसके लिए कि दुनिया जान जाए कि रामू सानू के साथ में शादी हुई और उसका मोहब्बत टाइगर से। उसने ये बताया, तो बिल्कुल सही बताया, वो जमींदार झूठ नहीं बोला, बिल्कुल सही बताया। उसके भाई का खून हुआ, तुम्हारे भाई का हुआ, अब मैं पहल तैयार करूंगा। तू पहल तैयार, सानू के साथ तैयार।
पिताजी रचाया था। आपका पिता बचने के लिए अपनी लड़की को बचाने के लिए ढोंग दिखाया, सादे उसकी टाइगर से पहले दोनों में लग था और दोस्ती थी, जब ही मार दिया टाइगर में मार दिया, बिजली मिल गई। हाँ तो यही बताया, चलो बिजली को गिरफ्तार करो, मैं फैल तैयार। वो रानू का कत्ल हुआ, जसमान सिंह का कत्ल हुआ, रामू जो है वो सानू का ससुर या चाचा पिता है। चलो उसके पास रम्मा बताएगा हमारी लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है। चलो रम्मा क्या करो, करो पकड़ो तालियों को, वो बताएगा। दुनिया में यहाँ कोई कोई के विश्वास नहीं हो, दमाद से ने कहे ना है तने बिटियावा के यहाँ दिखाए ले जाए, लेकिन वो लड़के नहीं आए। अरे रमुआ, तेरा नाम रमुआ है, तेरी लड़की कहाँ है? साहब लड़की क्या? लड़की को नाम बिजली था? हाँ हाँ हाँ। साहब बिजली जब से उनका बिहाव कह दिया तब से वह वापस नहीं आई है। अरे तेरी लड़की डाकू टाइगर के साथ में, इतना बड़ा डकैती के साथ में डकैती कर रही, साले माल तू भी साले लूट करके लाती है देती है, जानता नहीं बता रही ससुराल में साले। साहब हमरे की है जब से बिहाव कह दिया तब से वह लौट नहीं आई है। शादी करेगा अपनी लड़की को घर सलाह नहीं लेगा, मालूम नहीं करेगा हमारी लड़की कैसे कैसे नहीं, मगर मालूम क्या साले ढोंग रचा करके शादी किया। ओ रामू ये है बिजली के पिता हो, ठीक 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 ठीक, यही साला हरामी है ये चाचा, तुम्हारी बिजली कहाँ है? मेरा नाम रानू है, हम महमूदपुर के रहने वाले हैं, सानू के भाई। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, बोलो क्या है, बिजली कहाँ है, कैसे क्या हुआ है, हम इसी के लिए आपके पास आए हैं। बिजली के बारे में कुछ नहीं जानता, बिजली के बारे में, बिजली के बारे में कुछ नहीं बिजली और बर्फ आ मुझे यह पकड़ने का आदेश।
आदेश मिला है जिंदा या मुर्दा बिजली को सामने पेश करो। आखिर वो है कहाँ? जब आप उसके पिता है तो नहीं जानते हो कहाँ है? साहब अब हम का बताई, हम हुई बात से ने नाराज हम। कोई बाप यूं ना कहते अपने लड़का से ने या बिटिया से ने कि तुम गलत काम करो जाओ। बाप क्या तय होते हैं कि बिहाव कई दिस वो अपने घर ही चले गए, तारीख छुट्टी मिल गई। अब हमका ना मालूम है वह कहाँ गए और का करते हैं। इससे मतलब आपने शादी कर दिया, डोली में चली गई, वहां चली गई। माय गॉड, सानू का मंडल हुआ, खबर आई नहीं आवा है। मतलब उसका मॉडल हुआ तो तुम्हारे पास कुछ नहीं आया और बिजली कहाँ गई इसकी भी खबर नहीं है। इको हम नहीं जानते साहब, अगर जाने की होए तो तुमका तुरंत ही बताई कि बिटियावा घर में है या कहूँ पहुँच नहीं गए हैं। अब हमका जब मालूम यो सना एवरानार फालतू बांध मत कीजिए। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, क्योंकि ये कहानी जो खेली गई है इसका पता ऐसे नहीं चलेगा। कैलाश सिपाही एक कागज कलम लेके आओ। हम अगर मेरे भाई की पत्नी बन चुकी है तो मेरी भाभी है। पत्र लिखूंगा तो मिलने के लिए जरूर आएगी और जब आएगी तभी इसका पता चलेगा। समझ गया? ये कहानी बहुत लंबी है, जाल की है। भाभी नमस्कार, मैं कुशल पूर्वक से हूं। आपकी कुशलता श्री शंकर भगवान से नेक मनाया करता हूं। आगे का समाचार ये है, जो ये मंडल हुए हैं ये केस तुम पे आहत किया गया है और तुम्हारी दुआ से फजरो करम से भगवान की कृपा से मैं इसी थाने में नियुक्त किया गया हूं। आपका देवर रानू इंस्पेक्टर। भाभी मैं यही जानना चाहता हूं ये जो मंडल हुए हैं ये कैसे हुए, इसकी कहानी क्या है? अगर आप निर्दोष हैं तो आप ये जो जिंद बाबा के मजार के पीछे खंजर बनवा है उसी पर 5 बजे मिलने की कृपा करें। शाम 5 बजे की मिलने की कृपा करें। आपका रानू इंस्पेक्टर ग्राम महादोपुर पिपरी कला। ये पत्र क्यों? तुम तो बहुत पुराने सिपाही हो, क्या ये डाकों की गुफा तक पहुंच सकता है? तुम्हारे जिंदे हैं क्या बता है कहां को चला जाता है? क्यों कोनी गफलत में पड़े रहते हो? हम थोड़ा काम कर रहे थे। वो छोटी जो महज भी उनके चक्कर में तो नहीं पड़े पड़ते हो? अच्छा अच्छा चलो देखो। क्या डाकू लोगों के पास जाना है? जी ठीक है सर, हम और ये कार्ड तुम्हें देना है। देखना नहीं है मेरे रास्ते में? नहीं नहीं देखना क्या, देखने की क्या बात है? तो सब सुन लिया है, वो तो सील है, तुम्हें ले जाना है, उनको दे देना। ठीक है जय जय साहब। अपना नंबर हमका दे दो। हम हूं नाराज हन, अगर पिटियावा हमारे घर आ गए
तो हम जरूर थाने में यहाँ फोन कर दे। देखिए चाचा, ये जिंदगी रुमाल का है सहारा और ये वर्दी है। हम लोग शपथ लेते हैं देश की रक्षा करेंगे, तो आपको छुपाना नहीं है कि बिजली अगर यहाँ आ जाए हम छिपाई बनाए फोन कर दे। हाँ तो फोन कर देना, खबर कर देना, ठीक है? नंबर दे दियो लीजिए। अच्छा लो घबरौनी, अगर वो डाकू बनी है मर्डर किया है सजा मिलेगी, अगर निर्दोष है तो दूध इधर चलेगा पानी उधर। ये बताओ बहन बिजली तैयार हो गई क्या है? बहन बिजली तैयार होकर के और अड्डे पर आ रही है। चलो ठीक है। और आसमान चली को आते हैं।
चलो बहन आज अड्डे पे आराम करते हैं और कल फिर हम गांव की तरफ चलेंगे। हाँ भैया आओ चलते हैं। जय चबल। अरे भैया ये कौन किसी मनुष्य किसी की आहट लग रही है। पुलिस का मुखबर तो नहीं है। फौरन खत्म कर दो। लेकिन बहन इसके पास कोई हथियार नहीं खाली हाथ आया हुआ है। तू कौन है? डाकू जी हम इधर डाकू टाइगर से मिलना चाहते हैं। डाकू बिजली का पता लगाते हैं वो किस ग्रह में रहते हैं कहाँ पर रहते हैं। हाँ मेरा ही नाम बिजली है। क्या तुम्हारा क्या कहना चाहता है तू? देखिए तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी है। लो चलो ठीक है कोई बात नहीं। बहुत दूर से परेशान हो गए अभी मत देखना। पहले हमको कुछ दक्षिणा चाहिए। क्या बात है वो यहाँ दी टाइगर वही दी उनका दक्षिणा दे दो भाई। दक्षिणों का दक्षिणा इनको दे दो। हो जाए यार बोतल दारू हो जाए। टाइगर भैया इसे दक्षिणा दे दो। दक्षिणा खोज लो बने भैया। मैं क्या लिखा है मैं पढ़ती हूँ भैया। और रानू ने भेजा है खत सुन ले भाई। खत भेजा है। हाँ भैया। नहीं बहन नहीं। अरे बहना तेरी बात में लगता है चिट्ठे। बहना तेरी बात में और लगता है चिट्ठे। अरे पुलिस देखो मैं सदा तो ठीक है जाइए हम आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है भैया मैं जा रही हूँ अपना लोगों का ख्याल रखना। ठीक है बहन आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है लो मैं जा रही हूँ। जय चंबल जय भवानी। बहन पिछली खेल गई है और उस साले दरोगा पर कोई विश्वास नहीं। हो सकता है पीछे से वार कर दे इसलिए कम से कम 10 कदम की हम दूरी बना रखेंगे। जैसे साला को इंस्पेक्टर वार करता है हम उससे पहले वार कर देंगे। चलो ये बात है बहन जी अच्छा किया जाए। चलो चलते हैं।